मुझे लगा नहीं था कि हो जाएगा इन, अच्छा कुछ हाँ क्योंकि मेरा मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था ये। कुछ चीजें कभी कभी आपको परेशान भी करती होंगी, उससे आप बाहर निकल के आई। आज आपके हस्बैंड और बच्चे बहुत खुश होंगे कि मेरी मम्मी आज परमानेंट लेक्चरर है, वो भी महाविद्यालय में। लेकिन टीचर ऐसे चुनने चाहिए जो उस टॉपिक को, उस एग्जाम को पूरी तरह से एनालाइज करके पढ़े, वीडियोस वगैरह शॉर्ट में देखा कर। मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, मैं कॉल लगा देती थी, मुझे अभी भी याद है। हमें क्योंकि भी मेरा मेरा इंटरव्यू में 9 लोगों का पैनल था। अगर कोई मैरिड है तो उनके लिए बहुत इजी और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जॉन किट की नेगेटिव कैपेबिलिटी पूछी गई थी, कितने आर्ट्स की स्टडी थी, हर टॉपिक के डिटेल्स को बताता गया कि क्या पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, क्या पूछे जाएंगे ये सब। तो वेलकम ज्योति, थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ मुलाकात कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना तो केवल नेट क्वालिफाई किया बल्कि अपनी मेहनत और लगन से अपने उस मंजिल पे पहुंची जिसका आपको बहुत इंतजार और बहुत ड्रीम था। तो आज आपसे रादर हम सभी लोग ये सुनना चाहेंगे और आपकी ये जर्नी कैसी रही, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। सर मेरा बेसिकली मैं देवघर झारखंड की हूँ और मेरे पापा बैंकर हैं, बैंक ऑफिसर हैं। वी बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, सब कुछ है लेकिन बहुत इजीली सब कुछ नहीं मिलता है। ड्रीम शुरू से बहुत हाई रहा कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है। आप तो पता होगा मैं तो कभी कभी बोलती थी मुझे सिविल सर्विस में जाना है या फिर मुझे नहीं करना है। तो इंग्लिश शुरू से मुझे पसंद था, उसमें कहानी पोइट्री थ्योरी वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा था, शुरू से ही बहुत अट्रैक्ट करता था। तो आफ्टर ग्रेजुएट मतलब आफ्टर इंटर मतलब प्लस टू करने के बाद मैंने शुरू से ही सोचा था कि इंग्लिश ऑनर्स से लेना है, इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट लेना है। तो वो मैंने शुरू कर दिया कि इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ाई करनी है। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी में भी मैंने इंग्लिश लिया और इसी दौरान शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। तो फिर आया कि चलो नेक्स्ट कोरोना के समय में मुझे ट्यूशन ज्वाइन करना था, मतलब ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन करना था, लेकिन हर ट्यूशन बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। तो बहुत घबराहट होने लगी कि पढ़ाई छूट जाए तो करियर नहीं बनेगा। तो ऐसी यूट्यूब देख रही थी मैं, तो OSN का वीडियोस वगैरह शॉर्ट में देखा करती थी कि थोड़ा बहुत पोएट्री जान लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, अच्छा लगता था। तो वहाँ पर एक होता है ना मतलब दिया हुआ रहता है कि आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। तो मैंने सोचा कि एक बार बात करके देखते, हो सकता है घर से पढ़ाई हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बेबी भी बहुत छोटा था। तो मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, बात किया, तो आपने बोला कि हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो वैसे ही मेरा ऑनलाइन सब कुछ स्टार्ट हुआ जर्नी। और मैंने सबसे पहले क्रैश कोर्स लिया था, मुझे अभी भी याद है, सबसे पहले मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ था। क्रैश कोर्स करने के दौरान मुझे इतना आइडिया हो गया था कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। फिर मैंने पूरा टर्म्स वाला 6 मंथ का कोर्स लिया था, ये मुझे हर टॉपिक के डिटेल्स को बताता गया कि क्या पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, क्या पूछे जाएंगे ये सब। मीन्स मेरा पेपर 2 कहीं ना कहीं अपने आप कम्प्लीट होने लगा कोचिंग के माध्यम से और क्लासेस वगैरह देखने से। बहुत सारे डाउट्स भी होते थे, वो क्लियर हो जाते हैं, क्लियर होते थे। तो थोड़ा इसलिए मतलब कोचिंग लेने से एक चीज होता है कि आपको थोड़ा पेपर 2 पेपर 1 के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि पेपर 1 में बहुत मेजर रोल प्ले करता है नेट के लिए। तो इससे मेरा यही बेनिफिट हुआ कि पेपर 2 में मैं जो टाइम देती थी वो फिर नोट्स देख लेती थी या तो फिर क्लासेस देख लेती थी, तो आराम से हो जाता था। पेपर 1 के लिए मेरे पास टाइम होता था कि चलो पेपर 1 मुझे पढ़ने के लिए समय मिल रहा। तो ये दोनों मैंने मात्र 6 मंथ में नेट को क्लियर कर लिया, अच्छा रहा। मेरे साथ एक चीज रहा था कि हर क्लासेस में जितना भी आप छोटी भी छोटी बात बोलते थे, सब जो बोल भी देते थे वो भी मैं नोट डाउन करती थी कि वो भी लिखना है, वो भी आ सकता है। और मेरे साथ यही हुआ कि वो भी आया कहीं ना कहीं से। वो आप बोलते थे कि ये भी याद कर लेना, हो सकता है ये भी आएगा, वो भी आ सकता है। आई एम वेरी श्योर कि ऐसा ही सब कुछ रहता है। और जिसे अगर नेट क्रैक करना है, मीन्स जो 21 एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनको सारे डिटेल्स में प्रॉपर मटेरियल मिल जाते हैं। जो आपको क्रैश कोर्स मिला, मेरा जो क्लासेस मिली, जो हमारी बुक्स मिली या टेस्ट सीरीज मिली, कितना परसेंट आपको लगता है ग्रोथ हुई होगी? फॉर एग्जांपल आपका इतना परसेंट था, हमारी सारी गाइडेंस से आपका परसेंटेज लेवल कितना गया होगा हाई? नेट तो कर ही पाई बल्कि आप लेक्चरर भी हो गए, अंदर जो काबिलियत थी या नॉलेज का लेवल था उसमें कितना इजाफा हुआ? जो हमारा BA और MA होता है ना वो बहुत बेसिक होता है, बहुत बेसिक होता है। बहुत वो कुछ भी नेट के हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं वहाँ। तो जब मैं नेट का क्वेश्चन पेपर देखती थी या सॉल्व करती थी, तो मुझे लगता था कि कुछ अलग है लेवल, कुछ जिस उस पैटर्न को समझना, मतलब कहते ना पैटर्न को डिकोड किया जाए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि लेना चाहिए, हर इंसान को गाइडेंस कोचिंग लेना चाहिए। और OSN मुझे बहुत हेल्प किया, मीन्स मुझे वो पैटर्न को डिकोड करने में सबसे ज्यादा हेल्प किया, अनलॉक किया। और उस पैटर्न को मुझे समझ में आया कि कहाँ से थ्योरीज पूछी जा रही है, कौन से बुक पूछे जा रहे हैं, कौन से राइटर्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब मुझे बहुत डिटेल में समझ में आया। तो जब आपका नेट का रिजल्ट निकला था,
कितनी खुशी मिली थी कि आपने घर में मिठाई बांटी थी, या क्या वो दिन याद है? अरे वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहले मैं देख रही थी ना, मतलब मेरा प्यार कुछ से मिस हो गया। हाँ हाँ याद है मुझे, आपने बताया भगवान। हाँ तो लेकिन वो भी देख के मैं नेट इतना जल्दी क्वालिफाई कर जाऊंगी मैंने सोचा नहीं था। इन 6 मंथ आई क्वालिफाइड नेट एंड इट वॉज वेरी मतलब स्ट्रेंज, बहुत अच्छा फीलिंग था मेरे लिए। मैं रोने लगी थी उसके बाद, फिर मम्मी पापा सबको बताया, किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि इतना जल्दी। मीन्स मैंने सोचा था 1 साल लगेंगे टाइम, 1 साल मैं सोच के चली थी, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस होता है, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सारे कहानी कैरेक्टर पोएट्री सब कुछ याद करना पड़ता है, और वो मुझे लगा नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ मैं रिविजन करती रही, पढ़ती रही, सुनती रही, मैं बहुत ज्यादा हेडफोन लगा के सुना करती थी बातों को। आप उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जो आपकी तरह मैरिड हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, बहुत सारे फैमिली प्रेशर हैं, बहुत कुछ सुनना और समझाना पड़ता है, और आप जैसी बहुत महिलाएं हैं जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, पुरानी भी नई भी रोज जुड़ते हैं, तो आप एक ऐसा माध्यम बन सकती हैं अपने ऐसे दो शब्दों में जिससे उनको लगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं अगर आप कर सकती हैं। फिर सबसे मेजर रोल प्ले करता है आफ्टर मैरिड वुमेन के लिए कि आपका फैमिली सपोर्टिव है, ये सब बहुत बड़ी बात है। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है तब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है, कहीं से भी कुछ अनबन भी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो पहले वो प्रॉब्लम को इग्नोर करना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने करियर के बारे में सोचें। थोड़ा सा समय निकाल के, हम इतने सारे टाइम सबके लिए निकालते तो अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, जो भी टाइम मिलता है 3 घंटे 4-5, मैं रात रात भर कभी कभी पढ़ा करती थी। मुझे लगता है कि किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जितना टाइम है उस हिसाब से करना चाहिए, उनको जो करना है, जो ड्रीम है वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक बार टाइम चला गया तो फिर ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर हम इनको ज्वाइन करें कि इनको करें इनको करें, सब कहते हैं हम सब अच्छे हैं, और ठीक बात भी है, सब अच्छे हैं। ऐसे में बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं और कहाँ पे वो बेचारे पढ़ें, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पढ़ें। ऐसे में आपने जब पोजीशन को चूज किया तो आपके लिए ये कितना कठिन रहा, क्योंकि आज तो आप कह सकती हैं कि हमने नेट भी कर लिया और हम लेक्चरर भी बन गए, लेकिन आप जैसे लकी बहुत कम बच्चे होते हैं ना जिनको पहले दिन से विश्वास हो सर पे और उनकी काबिलियत पे या उनके कॉन्टेंट पे, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे वो एनालाइज करें आज के समय में कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए, उसका कोई एक सूत्रधार है? फिर पहले तो बात है कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम को पैटर्न को देखिए, और उससे रिलेवेंट उससे रिलेटेड जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उस टीचर को देखिए, सुनिए कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। एक कोई ऐसे भी टीचर हो सकते हैं जो कि बहुत सारे अननेसेसरी चीजें पढ़ा देते हैं, भले वो पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे, लेकिन अननेसेसरी चीजों में टाइम बहुत जाता है, हमारा एग्जाम खराब नहीं होगा, हम वो सेक्टर में कुछ पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन टीचर ऐसे चुनने चाहिए जो उस टॉपिक को उस एग्जाम को पूरी तरह से एनालाइज करके पढ़ाएं। मैंने वो ऐसे नहीं इसलिए सुना था क्योंकि वो एक एनालिटिकल था मेरा कि नहीं ये सर मेरे पैटर्न पर मेरे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। वाकई में आपने बहुत फिल्टर करके यह जवाब दिया, हमको बड़ी खुशी मिली कि आपने जो आंसर दिया वो टू द पॉइंट था। हकीकत में यह बात है कि मैं अपने पेड ऐप पे 1 मिनट भी आपने देखा होगा मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, आई ओनली टॉक अबाउट कंटेंट। जब आपको सिलेक्शन हुआ ज्योति जी, तो आपको तब कैसा फील हुआ कम्पेयर टू जब आपने नेट क्वालिफाई किया था? नेट इज एलिजिबिलिटी, बट व्हेन यू गॉट दैट लेक्चरशिप, मतलब कैसे पता चला, आपके पास फोन आया या आपको कैसे न्यूज मिली, और वो खुशी का वो पल जब आपने दोनों हाथ में लड्डू ले लिया था तो कैसा लगा और कैसे आपको पता चला? ये मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू देने के बाद जब मुझे लगा नहीं था कि हो जाएगा, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था ये, और जब मैं क्वालिफाइड हो गई तो मुझे 1 मिनट के लिए खुद पे अच्छा भी लगा कि प्राउड फील हुआ कि पहली बार इंटरव्यू में मैंने बैठा और मैं सेलेक्ट हो गई। मीन्स मुझे ये बहुत अच्छा लगा खुद में कि चलो मैं इतना मतलब अच्छा मतलब परफॉर्म कर पाया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको कुछ वाकया याद है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ याद हो तो हमसे कुछ शेयर करें? मेरा इंटरव्यू में 9 लोगों का पैनल था, टोटल 9। से पहले तो मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ से हैं और कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने सब कुछ बताया। फिर सर ने इंट्रो पूछा अच्छे से, मैंने उनको इंट्रो बताया। फिर सर ने बोला कि आपने PhD नहीं रखी है, तो मुझसे डिसर्टेशन के बारे में पूछा गया कि आपने डिसर्टेशन में क्या किया है, मैंने टॉपिक बताया, मैंने रविन्द्रनाथ बताया। फिर उनसे रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि उन्होंने कब नोबेल प्राइज जीता था, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, आदमबरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, टोकरवाली से रिलेटेड, गीतांजलि, उनके प्रीफेस किसने लिखा था, ये सब पूछा गया।
और रविंद्रनाथ टैगोर को मैं पर्सनली कैसे देखती हूँ, इंस्पिरेशन कैसे हैं वो मेरे लिए, ये भी पूछा था मैंने कि आप पर्सनली रविंद्रनाथ टैगोर को किस मतलब आप क्यों इतना एडमायर करती हैं, आप ये बताइए, तो वो भी मैंने बताया। और फिर मुझे जॉन किट के बारे में पूछा गया था, जॉन किट की नेगेटिव कैपेबिलिटी पूछी गई थी और नेगेटिव कैपेबिलिटी, और नेगेटिव कैपेबिलिटी को भी सर ने थोड़ा डिटेल में पूछा कि उसे मूवीज वगैरह में कैसे यूज करते हैं, ये भी सर ने पूछा। एक थे मतलब प्रोफेसर थे या मतलब वो थे, उन्होंने मुझे थोड़ा डिटेल में पूछा, तो वो भी मैंने बताया सर को। फिर सर ने थोड़ा बहुत मुझसे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज के बारे में पूछा, पोस्ट कॉलोनियल में क्या क्या है। फिर डायस्पोरिक राइटर के बारे में भी पूछा था कि एक वर्ड आता है आइडेंटिटी क्राइसिस, इस वर्ड को सर ने बोला कि आप कैसे देखते हैं, डिटेल में बताइए, कुछ नॉवल वगैरह इसके वो है, तो मुझे उस समय अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने एक दो नॉवल के नाम बताए थे जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा है, और डायस्पोरिक राइटर किसे कहते हैं और वो इतना फेमस क्यों है 20th century में, ये सब सर ने पूछा था, इतना ही मुझे याद है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी आपने बताई। ज्योति जी, जैसे आपने एनालिसिस कर लिया कि हमको देखा, आपको अच्छा लगा और आपका मार्गदर्शन अच्छा रहा, लेकिन बच्चे एनालिसिस करने में बहुत चिंता व्यक्त करते हैं कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए या हम सेल्फ स्टडी करें। अगर आप केवल सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट होती तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों पथ आपके लिए कितना आसान या कितना कठिन होता? क्योंकि अल्टीमेटली हमें जिस गंतव्य में जाना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारी जिंदगी को बनाता है, वो हमें आइडेंटिफाई करता है, वो हमें एक समाज में इज्जत और फाइनेंशियली स्टेबल करता है। हाँ सर, एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास टॉपिक सिलेबस बिल्कुल ओशियन की तरह है, बिल्कुल समंदर जैसे है, तो आप सेल्फ स्टडी करके मतलब पढ़ सकते हैं, उसे याद नहीं कर सकते, उसे आप लिख नहीं सकते वहां जा करके। और जब आप कोई गाइडेंस चुन लेते हैं, प्रोफेसर चुन लेते हैं, तो आपको गाइडेंस मिलता है मुझे किस किस डायरेक्शन में पढ़ना है और कौन कौन से डायरेक्शन को स्किप करना है। अनंत राइटर को पढ़ रहे, अनंत पोइट्री पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं नेट में क्या चीज रेलेवेंट होगा, अगर आप जान रहे तो तब तो आपकी लेवल बहुत हाई है, तब तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब आपको सेल्फ स्टडी कोई काम नहीं देगा, क्योंकि वहां पर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं कोचिंग करते हुए भी बहुत देर तक सेल्फ स्टडी भी करती थी, क्योंकि सारे डिटेल्स टॉपिक को याद करना होता था, प्रिपेयर करना होता था, लिखना होता था, और तब जाके मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो सेल्फ स्टडी में आपको एक अपना टाइम उतना ही बिता रहे पहले स्टडी करने में, फिर आप टॉपिक बनाएंगे, फिर आप सारे चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आप मतलब एक लेंदी टाइम कलम से नोट डाउन करते रहती थी, ये लिखना ये लिखना ये लिखना, हाईलाइट कर देना है, और सबको करने के बाद मैं एक घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देती थी, जैसे जैसे आपका क्लास खत्म हुआ मैंने एक घंटे के लिए सब छोड़ दिया, उसके बाद एक घंटे के बाद फिर से मुझे वो चीजें देखती थी जो मुझे समझ में नहीं आया, सारे चीजों को देखने के बाद मुझे लगता था नहीं ये मुझे समझ में आ गया है, तो फिर मैं नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाती थी, और जो बच्चा हुआ टाइम रहता था उसमें मैं पेपर बन करती थी। मतलब हमारे सारी चीजों को मिला करके पर डे कितने आवर्स की स्टडी थी आपकी, ये आपकी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, लेक्चरर भी बन गई, तो इनके कितने आवर्स थे? आप मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार की जिम्मेदारी। पर डे की बात कीजिए तो आफ्टर ऑल आई एम आल्सो मैरिड वुमन, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरा बेबी भी उस समय छोटा था। हाँ तो एक तो मेरा 2 से 3 घंटा जाता था वीडियो को लेक्चर सुनने में, क्योंकि एक क्लास दो क्लासेस में खत्म करती थी, तो दो क्लासेस खत्म करने में 3 घंटे में जाते थे, और 2 से 3 घंटे में रिवीजन वगैरह में देती थी, मीन्स 5 to 6 hours डेली पढ़ती थी। OSN Academy के एप्लीकेशन को जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, जो हमारी क्लासेस हैं बहुत क्रिस्प हैं, कम समय में ज्यादा ज्ञान है, बहुत कॉन्टेंट रिच है, हमारे बुक्स आपने पढ़ी होंगी, हमारा क्रैश कोर्स पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजों ने आपको अल्टीमेटली आपके टारगेट तक पहुंचा दिया। सर सबसे पहले कि अगर आपको छोटे से 6 months में अगर आपको करना है तो आप जरूर ज्वाइन करें, नेसेसरी है, मैंडेटरी है बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें ये होती है ना कि आप कृषि वे में आपको सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीजें पढ़ना, मीन्स टू द पॉइंट पढ़ना है, तो भी आप ज्वाइन करें। मुझे हर चीज टू द पॉइंट पढ़ना था, मुझे यही प्लेटफॉर्म पे सारा चीजें टू द पॉइंट मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नेट भी हो गया कम समय में। सर्टिफिकेट जरूर शेयर करिएगा, अपना अकाउंट में लेटर भी शेयर करिएगा, उसको देखेंगे, देख के कितनी खुशी होगी। आज भी मुझे याद है कि जब पहली बार आपके हस्बैंड ने हमसे बात की थी तो वो यही चिंता कर रहे थे
कि सर हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, ये ऐसा कर पाएंगी। तो हमने कहा देखिए केवल एक बात हम बच्चों से कहते हैं कि टाइम ना खराब करें और अपने गुरु पे श्रद्धा रखें। तो जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए आपको बच्चों को कि जब तक आज के जमाने में ऑनलाइन में क्या है कि ह्यूमन इमोशंस की कमी है। यस सर। तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कमी हो जाती है उसमें आप क्या कहती हैं कि हम इतना प्रयास बच्चों तक पहुंचने का करते हैं, आप तक भी हम बहुत बार आप लोगों से बात किया, आपने भी हमसे बात किया, हमने हमेशा आपको मोटिवेट किया, याद करिए कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, इन बुक्स को फॉलो करिए, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपने टीचर पे श्रद्धा रखिए। कंसिस्टेंसी एंड रिगार्ड, देखिए भगवान ने आपको गिफ्ट दे दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले जहाँ हम लोग जाते हैं जिन लोगों के पास उन पे भरोसा करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता, सबसे पहली बात है कि आपको ज्ञान लेना है। अब कोई प्रॉब्लम है, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, मैं कॉल लगा देती थी, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि हाँ तो मुझे कंफ्यूजन होता था, ये नहीं कि सबको समझ में आता है, बहुत कुछ नहीं समझ में आता है, ये हिचकिचाना नहीं है, हेजिटेशन नहीं रखना, डांटेंगे कुछ भी करेंगे कोई बात नहीं, आपके टीचर है वो आपके गुरु है, आप वो डांट भी सकते हैं, वो समझा भी सकते हैं, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आप कनेक्ट होइए इमोशनली फिजिकली हर तरह से हो जाता है, अगर आप फोन से कनेक्ट होंगे तो बातों से भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि देख करके ही लोग करें, वो ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर स्पेशली फॉर मैरिड वुमन। अगर कोई मैरिड है तो उनके लिए बहुत ईजी और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर मुझे कहा जाए कि ऑफलाइन अगर पढ़ना होता तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो जाती, दिक्कत हो सकती थी, या तो फिर मैं 6 महीने बाद ज्वाइन करने का सोचती या कोरोना के बाद, लेकिन जब कोरोना हुआ उसके बाद मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि मुझे फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं ऑफलाइन कहीं नहीं गई, मैं हर जगह ऑनलाइन ही पढ़ाई करती हूँ। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा याद है जिसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता था, ऐसा कोई क्वेश्चन याद है जिसमें आपने कहा हो आई एम सॉरी सर मुझे नहीं याद आ रहा? गीतांजलि के पोएम्स के बारे में पूछ गया। अच्छा, गीतांजलि के पोएम्स। हाँ, तो वो अंदर से मुझे पता नहीं था गीतांजलि के पोएम्स के बारे में। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर ने मुझे एक डोमेस्टिक वॉर पूछा था, तो मैंने बोला था कि दे आर रिलेटेड टू सिविल वॉर, तो मैंने नेट में चेक किया तो ऐसा ही कुछ बोला, ऐसा ही लिखा, सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा बहुत और ज्यादातर इंडियन इंग्लिश जो डायस्पोरिक राइटर वगैरह थे। हाँ, अमिताभ घोष से बहुत सारे क्वेश्चन थे, नहीं मेरे से 20th century से स्टार्ट किया गया और इंडियन लिटरेचर में पूछा गया और थोड़ा बहुत पोइट्री वगैरह पूछी गई, वही बोले ना कि 19th century की सारी पोइट्री वगैरह और 20th century की स्टार्ट किया। आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी ज्योति? 9th of September। 9th of September, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, जब सैलरी मिलेगी तो चॉकलेट जरूर खिलाइएगा। हाँ सर, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं भी बिल्कुल, और हम भी आपको अपने तरफ से OSL Academy की तरफ से आपको हम एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भेजेंगे इसी खुशी के मौके पे, और OSL Academy की तरफ से वो हमारा प्यार और आशीर्वाद होगा आपके लिए, ठीक है? और बहुत बहुत आप खुशी से और आगे बढ़िए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही हम आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की चेयर पे देखना चाहेंगे।